व्यवस्था में अगर परिवर्तन करे तब तो सरकार ठीक है, लेकिन ये सरकार व्यवस्था में तो कोई परिवर्तन कर नहीं रही है। इससे सरकार के रहते भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी, लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है। तो इस सरकार को हम लोग बदलेंगे और बदल करके व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, जिससे व्यक्ति को सम्मान के साथ न्याय मिल सके। सर, राफेल डील को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही थी और कल दस आई के सीईओ ने इस चीज का खंडन कर दिया। उनका कहना है कि हमने खुद रिलायंस को चुना था, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, जो भी आरोप लगे हैं है? तो उन आरोपों को पहले तो जांच से घबराना नहीं चाहिए किसी भी सरकार को जी। तो जांच से घबराना नहीं चाहिए। 2019 का चुनाव आ रहा है, गठबंधन में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग से बना लिया है हम लोगों ने। वैसे तो हम लोगों ने तय किया है कि एक सीट छोड़ करके 79 सीटों पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लड़ेगी, और अगर गठबंधन करते हैं तो हम 50% पर अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो तैयार है कि हमारा शेयर पूरा जो गठबंधन बने तो हमारा शेयर पूरा दे।